केदारनाथ में आपदा आई ना, उस समय एक केदारनाथ में नहीं, उत्तराखंड के लगभग लगभग जो बद्री और केदारनाथ के आजू बाजू में है, वहाँ हर जगह जो है नदी नाले बहुत तगड़े आए थे, तो ज्यादातर जो है नदी नालों का काफी नुकसान हुआ उस समय। हाँ हाँ पानी का बहाव है ना वो बहुत ही तगड़ा है, तो ऐसे में ऊपर जाना बहुत रिस्की रह सकता है, लेकिन जो नहा के यहाँ पे मजा है ना बहुत ही मजा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे ज्यादा दिन ज्यादा धूप हो रही है ना, वैसे घर पे जो है ना हलचल चहल पहल होने बैठ चुके हैं। यानी जो लोग जंगलों में गए होंगे, घास के लिए होंगे, गाय के साथ गए होंगे और बाकी छोटे मोटे कामों पे गए होंगे बाहर, तो वो सारे घर आने बैठ चुके हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पलाग एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, कैसे हो जो सब बढ़िया होंगे, अपन भी एकदम मस्त है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉगर उत्तराखंड के इन खूबसूरत सी वादी मेरे गाँव प्रोफेसर। दोस्तों, सुबह की 10 बज रही है और आज शॉप नहीं गया मैं क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और तबीयत के साथ साथ जो है ना कहीं जाने का प्रोग्राम में है। 27 तारीख को जाने वाले हम कहीं एक लंबी ट्रिप पे जाने वाले हैं, यानी ट्रैक पे जाने वाले हैं, तो कुछ तैयारी भी करनी थी, कैंप भी सुखाने थे, कपड़े भी सुखाने थे जो कैंप पे लेके जाएंगे। तो मैंने सोचा आज शॉप पर नहीं चलेंगे, आज तैयारी कर लेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ट्रैक भी नहीं हुआ है और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि तुम लोग जो है ट्रैक पर नहीं जा रहे काफ़ी दिन से, तो मैंने सोचा यार फाइनली एक ट्रिप बना ही देते हैं, लंबी वाली ट्रिप, लंबी ट्रिप रहेगी ये। तो सो करते हैं कुछ तैयारियाँ, कपड़े उपड़े सुखा लेते हैं, कुछ तैयारी क्या करना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कपड़े सुखाना, क्योंकि जब से मैं कैंपिंग से आया मैंने तब से वो कपड़े सुखाए नहीं, तो आज सबसे पहले जो है वो वाले कपड़े और कैंप जो है अच्छे से सुखा देते हैं। बाकी जूते भी मैंने धोई दिए हैं और देखते हैं कि जूते पहनते कि नहीं पहनते, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में जो है ना स्पोर्ट्स शूज लेके जाना रिस्की रहता है क्योंकि वो तुरंत भीग जाते हैं, उसके बाद जब आपको पता है कि स्पोर्ट्स शूज अगर भीग गए उनको सूखने में कम से कम आजकल 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि धूप भी नहीं आती है और गीले होंगे तो फिर ख़त्म हो जाते हैं, उनको पहनना फिर बहुत टफ रहता है। और स्लीपर हम लेके नहीं जाते साथ में क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो भारी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग जो है ना स्लीपर नहीं लेके चलते हैं। तो देखते हैं स्पोर्ट्स शूज लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं, बाकी देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने जूते जो है 4 दिन पहले धो लिए थे, आज ये 5वां दिन है और लेकिन सूख ही नहीं रहे हैं, और परसों जाना है तो भी ऐसे लग नहीं रहा कि मुझे सूखेंगे, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है 10-15 मिनट के लिए बारिश आ रही, 10-15 मिनट के लिए धूप आ रही, उसके बाद फिर बारिश चालू ही हो रही है, और लेकिन जो धूप आ रही है बड़ी तगड़ी हो रही है लेकिन जूते नहीं सूख पा रहे हैं। इस पर क्या चीज़ हो गया पता आप लोगों को ना, कि यहाँ पे दोस्तों, अभी जैसे कैंप मैंने सुखाने के लिए डाला ना, बहुत अच्छे वाली धूप आ गई, मतलब तगड़ी वाली धूप आ गई, तो ये आधा एक घंटे में सूख जाएगा, इसको सुखाने दो देते हैं, क्योंकि जब से मैं घर आया ना एक ही दिन सुखाया था, इस पर ना अजीब सी मॉइस्चर की बास में आने बैठ चुकी है, बाकी मौसम आप देख ही सकते तगड़ा वाला लगा हुआ है। और अभी मैंने सबसे पहले ना, अभी मैंने जो है ना नाश्ता नहीं किया, तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, बाकी जो लोग जंगलों से घास के लिए गए होंगे ना, जो महिलाएँ, वो एक एक करके आने बैठ चुके, मतलब जिन जिनका ग्रुप रहा होगा ना, ग्रुप ग्रुप में जाते हैं ना, तो एक एक करके आने बैठ चुके हैं सारी महिलाएं घर। दोस्तों, अभी जैसे ये पिंगालो जो है ना, जैसे जैसे टाइम होता है, जैसे जैसे धूप ज़्यादा हो रही है, वैसे वैसे जो है ये काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं, और अभी जो इसके नीचे के जो जड़ है ना वो काफ़ी मोटे हो चुके हैं और जो पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और पहले हम लोग खेलने के लिए इनकी छतरी बनाते थे,
बट अभी लोग बच्चे, आज के बच्चे जो है मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, तो सारे मतलब ये चीज़ होती है वो सारे बंद हो चुके हैं अभी। तो आजकल पहाड़ों में हर घर के आगे जैसे धूप लगती है ना, वैसे कुछ ना कुछ सुखाने के लिए रखते हैं लोग बाहर, और हमने भी जो है लकड़ी रखी हुई है सुखाने के लिए। जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे ज़्यादा दिन ज़्यादा धूप हो रही है ना, वैसे घर पर जो है ना हलचल चहल पहल होने बैठ चुके हैं। यानी जो लोग जंगलों में गए होंगे, घास के लिए होंगे, गाय के साथ गए होंगे और बाकी छोटे मोटे कामों पे गए होंगे बाहर, तो वो सारे घर आने बैठ चुके हैं। और बाकी ये टाइम पे घर पे ऐसा रहता है ना, कोई भी नहीं रहता। ये मेरे घर की कहानी नहीं है, मैं और घर के बता रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे घर पे ना ही गाय के साथ गए, ना ही जंगल घास के लिए गए, सारे लोग घर पे ही हैं। तो गाँव में क्या रहता है, इस समय कोई भी नहीं रहता है। जिनके छोटे बच्चे या बुजुर्ग आदमी हैं वही घर पे रहते हैं, बाकी सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो आजकल जैसे पहाड़ों में धूप लगती है तो काफ़ी सारे काम रहते हैं, जैसे अनाज को सुखाना हो गया, लकड़ियों को सुखाना हो गया। तो जंगल से घास लेके आते हैं, उसको सुखाना पड़ता है, ताकि जैसे ही बर्फ़ पड़ेगी तो घास के लिए ज़्यादा जंगलों जाना नहीं पड़ता। और दूसरी बात रहती है कि पहाड़ों में आजकल लोग ना जंगलों से ज़्यादा घास वगैरह काटते हैं, ताकि ठंडियों के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ठंडियों के टाइम पे जो आजकल जो घास सुखाए रहेगा तो वो काफ़ी हेल्प मिलती है उस समय जब बर्फ़ गिर जाती है, ठंड ज़्यादा हो जाती है, बारिश ज़्यादा हो जाती है नवंबर दिसंबर में। बाकी पहाड़ों में बारिश ऐसा नहीं कह सकते कि आजकल बारिश का सीजन है तो आजकल ही ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश कभी भी हो सकती है पहाड़ों में। बाकी नज़ारे आप देख ही सकते हैं, क्या जबरदस्त आ रहा है ऐसे में। बाकी अभी धूप बहुत तगड़ी हो रही है, और मैं जब इस तरफ जा रहा हूँ ना, इस तरफ जो पीछे का जो नज़ारा देख रहा है ना, तो दिल को थोड़ा दर्द हो रहा है यार अभी, क्योंकि जो है मुंगरी खाने वाली हो गई थी, काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो मैं अभी आ रखा हूँ थोड़ा सगड़ा में, देखते हैं यहाँ पे हरी मिर्ची भी हो रखी कि नहीं हो रखी, क्योंकि थोड़ा ना चटपटा खाने का मन कर रहा है, और तबीयत थोड़ा सर्दी जुकाम जैसा लगा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि यार मैं काफ़ी स्पाइसी खाऊं, क्योंकि मैं स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाता हूं। और आजकल यहां पे आने में भी डर लग रही है दोस्तों, क्योंकि झोंक है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन थोड़ी सी धूप हो रही है तो झोंक तुरंत ख़त्म हो रही है, और थोड़ी सी बारिश हो रही है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त वाली झोंकें हो रही है। मैं जैसे जैसे शॉप जाता हूँ ना, शॉप जाते जाते मुझे कम से कम 5-7 झोंक तो खा ही लेती हैं। बाकी जैसे थोड़ी सी धूप होती है तो उस समय क्या होता है ना, जूक थोड़ा गर्मी से मर जाते हैं, गर्मी सह नहीं। तो जिस समय पहाड़ों में जाना कटाई मनाई, यानी सट्टी काटना, गेहूँ काटना, धान काटना, इस समय का टाइम रहता है ना, क्योंकि उस समय बहुत सारा काम रहता है, उस समय मन ऐसा करता है ना कि सीधे घर से निकल जाऊँ नौकरी पे, और इस टाइम पे कभी घर ही नहीं आना है, क्योंकि उस समय जो है बहुत सारा काम रहता है, खाने खाने की फुर्सत नहीं रहती, इतना ज़्यादा काम रहता है। और उस समय जो अकेला रहता है ना तो उसकी फट जाती है ना, घर पे जो अकेले हैं जिनके 2-3 आदमी नहीं है घर पे काम करने, तो उस समय तो भाई शॉलेट वाली मेहनत है, और ऐसा लगता है कि भाई घर पे रहना ही नहीं है। और मैं काफ़ी टाइम के बाद ना इस टाइम लॉकडाउन में था, और लॉकडाउन के बाद अभी हूँ इस समय काम के टाइम पर। और सबसे ज़्यादा काम रहता है जब भी फसल कटती है पहाड़ों में, उस समय भाई ऐसा काम रहता है ना, फाड़ देता आदमी की। तो अभी धीरे धीरे जो है ककड़ी बेलों पे फूल फूल लगने बैठ चुके हैं, यानी बर्थ जो तक जो है ना, कृष्ण जन्माष्टमी तक जो है ककड़ी लगती लगती है। पता नहीं क्या चीज़ है कि मतलब पहले लगे ना लगे, लेकिन जन्माष्टमी के टाइम पे जो है, या फिर रक्षाबंधन के टाइम पे जो है, ककड़ी हर किसी के पेड़ पे लगी जाएगी। तो यहाँ पे अभी फूल लगने बैठ चुके हैं, तो शायद क्या पता ककड़ी लगेगी ना लगेगी। मैंने सोचा इस बार दवा के ककड़ी खाएंगे, लेकिन इस बार कुछ हुआ ही नहीं यार, नहीं जाना। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ नहाने के लिए, नेचुरल जो स्विमिंग पूल है ना, गॉड गिफ्ट स्विमिंग पूल, तो उसमें जा रहा मैं नहाने के लिए। बाकी इस आजकल जो है नदी में नहाने कम ही आते हैं लोग, क्योंकि गधेरे का डर रहता है, और आज थोड़ा नदी कम हो रही कि मैं भी इसलिए जा रहा हूँ। बाकी ऐसी चीज़ें करनी नहीं चाहिए जहाँ जान का खतरा हो, और आजकल नदी में नहाना तो ये मतलब ये है कि मौत को बुलावा देना। लेकिन नदी जो है मेरे घर के बाजू में है, यहाँ से साफ पता लग जाता है कि पानी बहने लायक है कि नहीं है, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों के आजू बाजू में ऐसी नदी है तो कृपया करके ऐसे आजकल जो है नदी में नहाने मत जाइए, क्योंकि ये किसी रिस्क से कम नहीं है, ये ऐसा हो जाता है कि यमराज को बुलावा देने के लिए। बाकी मैं नहाऊंगा नदी के किनारे ही नहाऊंगा, ज़्यादा नदी के बीच में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो है कुछ भी हो सकता है। और आजकल जो है
ज़्यादा टाइम तक गधेरे में भी रुकना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऊपर अगर बारिश हो गई तो पानी फटक से बढ़ जाता है। आ गया जबरदस्त वाले मजा आ गया यहाँ पे नाचे, और जो पानी का बहाव है ना वो बहुत ही तगड़ा है, तो ऐसे में ऊपर जाना बहुत रिस्की रह सकता है, लेकिन जो नाचे यहाँ पे मजा है ना बहुत ही मजा आ गया, नेक्स्ट लेवल का मजा आ गया यार। और आजकल पानी जो है ना थोड़ा भी रहेगा उस पर बहाव, जो उसका बहाव रहता है ना बहुत ही ज्यादा रहता है, और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी ना जैसे नदी में नहाया ना वैसे जो है ठंड होने बैठ चुकी है बहुत ही ज्यादा, और पानी में आपने 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकते क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड हो रही और इतना ज्यादा। दोस्तों नहाना हो गया तो अभी चलते हैं घर, और जहाँ पे मैं नहाया ना यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा तालाब था, तभी हम पहले यहीं पे नहाते थे, लेकिन जब भी केदारनाथ में आपदा आई ना उस समय एक केदारनाथ में नहीं उत्तराखंड के लगभग जो बद्री और केदारनाथ के आजू बाजू में है वहाँ हर जगह जो है नदी नाले बहुत तगड़े आए थे, तो ज़्यादातर जो है नदी नालों का काफ़ी नुकसान हुआ उस समय, और यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा तालाब था तो उस समय नहाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अभी नदी जो काफ़ी नीचे चले गए और जो तालाब था ना वो पूरा ख़त्म हो चुका है, और अभी लोग तो नदी में नहाने में कम आते क्योंकि गाँव में जो है लड़के जो है कमी है, यंग लड़के कमी है क्योंकि ज़्यादातर नौकरियों पे बाहर चले गए, स्कूलों पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, तो भी ऐसी नदी नालों में नहाने में कमी आते, जब छुट्टियाँ रहती तभी आते। शाम तो भी रात की 9 बज रही है, और जैसे घर पे पहुंचा वैसे ही लाइट चली गई है। नारा कालो रोटी, और कालो जो है ना कभी कभी रोटी बना देता, काफी अच्छी रोटी बनाता है कालो, तो आज हम कालो की हाथ की रोटी खाएंगे। क्या कालो खिलाएगा ना रोटी खिलाएगा? यहाँ अंधेरे में जो है ना अंशु की पढ़ाई चल रही है, अंशु वो ज्यादा मत बिन पढ़नी है, अंधेरे में पढ़ दून है काम आयो। बोलो